पर पाच नहीं राखी रण में बैरारो खून बहा डरियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाच नहीं राखी रण में फेरिया रो खून बहावण ने जद याद करो हल्दी गाटी लेना सूरत उतरिया सुख दुख रो साथी चेतक रो सूती सियो जगना जाए हल्दी घाटी राटीला है मारा वीर घणा भड़कीला है वीरारी ओ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे फीका न पड़े तेरा रंग कभी चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे ओ मेरी जमीन महबूब मेरे मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे और फीका न पड़े तेरा रंग कभी जिस्मों से निकल कर खून कहे ऐसे वीर पुरुषों का बलिदान हमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए राखो थे मूछा ऐ थोड़ी लो यारी नदी बहा दूला मैं कथक लड़ूला अकबर सो उजड़ो मेवाड़ बसला मैं रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती आन बजाऊला मैं रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती आन बजाऊला मारो शीस पड़े पर पाग नहीं आहा जो धर्म निभाऊला जो करनो है कर जाऊला माटी रो कर्ज चुकाऊला आजीवन है थारे हवाले अकबर रो शीश झुकाऊला सपनों सच कर दिखलाऊला बचनो है तो बचने दिखा दे एक एहसान मेवाड़ धरा पर पन्ना धार गुजराणी उदेशिंग के प्राण बचा कर दी सुत की कुर्बानी जननी जन तो ऐसा जन जैसो महाराणा प्रताप और अकबर सूतो ओज के जिया सिराने साहब अली महाराणा प्रताप की हो नीले घोड़े रा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार नीला घोड़ा रा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई घबरा
रण सुभाग्या जाए रण में घमासान मच जाए बैरी रण सुभाग्या जाए राणा सुनता ही जाई जोजी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई महला में
एक सच्चे दिल से आप लोगों से मैं साथ चाहूंगा, अगर महाराणा प्रताप आज अपार इन समय में होता और अपा ने कहता कि मैं युद्ध भूमि में लड़ने वास्ते जा रहे हूँ मुगलास हूँ, और सच्चे दिल से आपको कसम है कौन कौन साथ जाता। महाराणा प्रताप आज इन समय में होता और अपा ने कहता कि मैं मुगलास हूँ लड़ने वास्ते युद्ध भूमि में जा रहे हूँ, हमारे हाथ कौन कौन हाल है, आज दिल से कौन कौन हाथ जाता महाराणा प्रताप। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आटावन ऊंचो हियोलिया, पढ़ लिखूं किया जद देखे है आटावन ऊंचो हियोलिया, चित्तौड़ खड़ा है मगरा में विकराल भूत सी लिया दिया, विकराल भूत सी लिया दिया, मैं झुकूं हजारों कोशिशों के बावजूद हार मान ली। एक पत्र लिखियो और उन पत्र में मैंने लिखियो कि ए अकबर बादशाह आप बेबारी महाराणा प्रताप आज थारी अधीनता स्वीकार करे। जब वो पत्र अकबर के पास गयो तो अकबर ने एक बार अपनी आंखों पर विश्वास को नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप का मेवाड़ी पाग मारे पगा में हेड़ो हो नहीं सके। अकबर महाराणा प्रताप का मित्र महाराणा प्रताप का कवि पृथ्वीराज सिंह जी राठौर ने बीकानेर से बुलाया और कहो कि पिथल जिन महाराणा प्रताप का बखान करता थका थारे मुख सु कदे शब्द कम को पड़ता, वो महाराणा प्रताप वो मेवाड़ी पाग आज हमारे पगा में है और अब बता मने कि रजवट रहे रजपूती खून रगा में है। अब बता अगर किसी राजपूत के वो रजपूती खून अगर रगा में है तो बता। पिथल ने आंखों से आंसू निकल गया, दुख हो गयो कि मारो महाराणा प्रताप हार नहीं मान सके। अकबर ने कहो कि अकबर बादशाह मैं मात्र एक बार इन पत्र जवाब चाहूं महाराणा प्रताप से। अकबर ने हजार पत्र लिखा कर महाराणा प्रताप की सोई जितना जगा सके तो जगा, मैं भी महाराणा प्रताप की वीरता देखना चाहूं अगर जगा सके तो जगा दिखा। पीथल एक पत्र लिखे और पत्र में इतना ओजस्वी शब्द लिखा है महाराणा प्रताप ने इन प्रकार से धिक्कारया कि महाराणा प्रताप की सोई चेतना जाग उठी। शब्द का लिखा मैं आज सुनियो हूं सूरजड़ो बादली ओटा जोवेलो, मैं आज सुनियो हूं नहरड़ो शैला रे साथे सोवेलो, और मैं आज सुनी हूं थका थका अब रांड होवेला रजपूती, मैं आज सुनी हूं म्याना में तलवार रेवेला अब सीधी। जब महाराणा प्रताप वो आखिर पड़ा पीतला महाराणा प्रताप ने आंखा से आंसू आ गया और खुद ने धिक्कार लगा। पीतला आखिर पड़ता ही राणियारी आंखें लाल हुई और धिक्कार मने में कायर हूं नहर एक धिक्कार हुई। धिक्कार है महाराणा प्रताप पूरा हिंदुस्तान हिंदवी सतरत तुम्हारी ओर देख रहा था और तू झुक गया अपने आप को धिक्कारने लगे, और कुछ समय बाद उनकी सोच चेतना जागी और सिख गर्जना करते हुए वापस उन शब्दों का जवाब दिया। क्या जवाब दिया, राखो थे मूछा ऐ थोड़ी लोयारी नदी बहादुला, राखो थे मूछा ऐ थोड़ी लोयारी नदी बहादुला, मैं अटक लड़ू
छाती मेरे एकदम बढ़िया जवाब दियो राखो ते मूछा एठोड़ी लोयारी नदी बहादुला और मैं अथक लड़ूला अकबर से उदड़ियो मेवार बसादुला आ हाथ में तलवार थका कुल रांड केवेला रजपूती और म्याना रे बदले फेरा रे छाती में रेवेला सूती मेवार भदक तो अंगारो आंध्या में जम 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 के लो घर खेरी उठती दाना पर पद पद पर खंड घर में अरे घास री रोटी बन बिलाबड़ो में भागे बन बिलाबड़ो में महाराणा प्रताप अंतिम सांसों तक आजादी खातिर समर गयो मारे माता बहना रूप जान भगवान जान के वो जोहर में जली वो हजारों रानियां क्या वो आप में से नहीं थी हम सतियों की संतान हैं कुछ भी करके दिखला देंगे जितना राजस्थान और हिंदुस्तान में जितना पुरुषों का वीर भूमि में जितना सहयोग रहा है नारियों का उतना हर उससे कहीं अधिक रहा है 16,000 रानियां एक साथ अग्नि कुंड के अंदर दहन करना बहुत बड़ी बात होती है भैया एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ